पार्टनर्स। अभी तक हम लोग पढ़े रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अभी पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द वर्ल्ड। क्या पढ़ रहे हैं? दुनिया से क्या हो गया? विदाई हो गया। ज्यादा अंतर है क्या? ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों में अपना अपना हिसाब करना था उसी पार्टनर के लिए जो पार्टनर अब बिजनेस में नहीं रहा है ना। बसरते डिफरेंस बस इतना हो जाता है कि मरना जो है किसी के हाथों में कंट्रोल नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि बार बार जब भी पार्टनर मरेगा तो वो मिडिल ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा या फिर किसी दो चार महीना बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जितना दिन जिंदा रहा है उतना दिन का तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उतना दिन का उसको सैलरी चाहिए, उतना दिन का उसको इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आया क्या बोले? ये सब चीज का भी कैलकुलेशन। जैसे ही पार्टनर क्या होगा, मरेगा, उसकी बीवी दौड़ के आ जाएगी क्या करने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए। समझ में आया क्या बोले? एक जो आदमी आता है मरे हुए इंसान का हिसाब किताब लेने के लिए उसको क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर। क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स है ना, इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। जो आदमी को अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए किसके संपत्ति को, डिजीज पार्टनर्स के, उसी को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर। क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर क्या होता है कि वो हिसाब किताब लेगा। किससे हिसाब किताब लेगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर माने रिमेनिंग पार्टनर से बोल सकते हैं ना। किससे हिसाब किताब लेगा? रिमेनिंग पार्टनर से हिसाब किताब लेगा। कौन रिमेनिंग पार्टनर से हिसाब किताब लेगा? एग्जीक्यूटर, जो उसका एग्जीक्यूटर है वो। अच्छा, उसका एग्जीक्यूटर को किस हिसाब से पैसा मिलेगा, किस बेसिस पर पैसा मिलेगा? एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। जैसा उन लोगों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अच्छा ये बताओ, जो रिजर्व रखा हुआ होगा वो सारा रिजर्व का पैसा क्या उसको मिल जाएगा? नहीं, उसको तो उसी का हिस्सा मिलेगा कि इमोशन के चक्कर में सारा पैसा दे देंगे? उसी का हिस्सा उसी को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, गुडविल का पूरा पैसा दे देंगे? नहीं। किसका देंगे? सैलरी पूरा साल भर के देंगे? नहीं। कब तक का? जब तक का जिंदा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर का देंगे? जब तक जिंदा रहा है तब तक। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो पूरा दे देंगे उसी को? जिंदा से क्या मतलब है? रिवैल्यूएशन में जितना उसका रेशियो है उतना ही मिलेगा। सुना क्या बोले? तो ये भी एक टाइप से देखो तो रिटायर्ड पार्टनर का ही अकाउंट है, बट यहाँ पे सिंगल सिर्फ उस पार्टनर का अकाउंट हिसाब किताब करना है जो पार्टनर क्या हो चुका है, डिजीज्ड पार्टनर अकाउंट। कौन सा? डिजीज्ड पार्टनर। कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? एक बार मेरे को सीट बोलो थोड़ा सा। तो जो डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें क्या क्या आएगा? अच्छा, इसमें क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर, इसमें अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट। जैसे रिटायरमेंट में होता था सेम वैसे ही होगा। अगर रिवॉल्यूशन करना होगा तो हम पहले रिवॉल्यूशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवॉल्यूशन। फिर क्या बनेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पहले क्या लिखते थे? बाय बैलेंस बी बाई डी, जो कैपिटल उसका होगा वो। फिर क्या लिखते थे? रिवॉल्यूशन क्रॉस पोस्टिंग करते थे। अच्छा, रिवॉल्यूशन क्या पूरा इसी को मिल जाएगा? जितना इसका ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड पे सार होगा, उतना ही मिलेगा। किसका? जो पहले मर गया है उसका। फिर क्या बांटते थे? रिजर्व पूरा मिलेगा जब तक जिंदा। फिर जिंदा से क्या मतलब? रिजर्व का, रिजर्व तो मरने से पहले का जमाया हुआ पैसा है। रिजर्व मींस व्हाट? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व मींस व्हाट? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है। चलेगा? फिर क्या बांटते थे? गुडविल। फिर क्या बांटते थे? अच्छा, अगर मानो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है तो सैलरी का, सैलरी मिलेगा ना उसको ओल्ड पीएसआर में? टाइम बेसिस पे। किस बेसिस पे मिलेगा? जितना दिन जिंदा रहा है उतना दिन का सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सर का किस बेसिस पे मिलेगा? कोई दुख है किसी को? अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? रिजर्व पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी विच इज टेकन बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर द जॉइंट लाइफ ऑफ द पार्टनर्स है ना।
सभी पार्टनर्स के जॉइंट लाइफ के लिए जो पॉलिसी दिया गया है, अब उसमें से एक वो टपक गया, तो टपक गया तो उसका जो पैसा मिलेगा पूरा उसको दे देंगे। उसके जाने से उसकी बीवी को तो लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ इस इन पार्टनर को भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तभी तो उसका क्या करा के रखा था, ये लोग LIC करा के रखा था, है ना। तो ये जो LIC का पैसा मिलेगा वो ओल्ड PSR में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में, रिमेनिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अच्छा, प्रॉफिट का हिस्सा जब तक जिंदा है तब तक का मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या साल भर का मिल जाएगा इसको, नहीं, कितने का मिलेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब। पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस साल कितना प्रॉफिट होगा ये पता कर पाना पॉसिबल है क्या। मानो अगस्त में मर गया, 31 अगस्त को मर गया, तो इस साल कितना प्रॉफिट होगा दिसंबर में जाके पता चल जाएगा जी। तुमको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हो सकता था। उसमें भी देखना पड़ेगा कि ये कितना महीना जिंदा रहा है टाइम बेसिस। और उससे भी मन भर जाए तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका उसमें कितना हिस्सा था। मतलब हमको टाइम भी देखना है और ओल्ड PSR भी देखना है। कोई दिक्कत, देखो तो आ रहा है ना पूरा, चलेगा यहाँ तक। फिर ड्रॉइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइट बी, जैसे रिजर्व होता है प्रॉफिट में वैसे ही बैलेंस शीट में कभी कभी ना एसेट साइड में PL दे देता है। वो नेगेटिव रिजर्व है, कैसा रिजर्व है, तो नेगेटिव रिजर्व अगर कोई डेबिट साइड में बैलेंस है PL का, कौन सा बैलेंस, डेबिट वाला, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत रेयर केस में देता है लेकिन दे देता है कभी कभी, है ना। चलेगा यहाँ तक, कोई दुख है। अच्छा, ये सारा हिसाब किताब करने के बाद जो पैसा आया वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जीक्यूटर को। चलेगा यहाँ तक, दुख है किसी को, बस इतना ही बनाना है। अभी तक तुम ऐसा समझो कि 2014 से लेके 2022 तक या 23 तक जितना भी एग्जाम हुआ उसमें से एक बार देता है, हर एक बार रिटायरमेंट देता है। क्या देता है, चलेगा यहाँ तक, चलो कॉपी कर चुके। इंदु एंड हेमा वेयर पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है वो देखो। इंदु प्रोवाइडेड दैट इंदु का शेयर क्या है 1/2, हेमा का शेयर है 1/3 एंड रिजर्व में हम लोग 1/6 ट्रांसफर किया करते थे। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर्स द एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू, अगर कोई पार्टनर मर गया है तो उसका एग्जीक्यूटर क्या क्या मिलेगा, उसको कैपिटल मिलेगा ऑन द डेट ऑफ डेथ, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द रेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट क्रिएटेड फॉर लास्ट 3 years, शेयर्स ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, है ना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इंदु का कैपिटल है 1,20,000, हेमा का कैपिटल है 80,000, रिजर्व है 30,000 का कैश है और इन्वेस्टमेंट है। Prepare Indu's capital account to be presented to the executor who died on 30th April 2017. The profit for the three preceding years diya hua hai humko 84,000, 90,000 and 99,000. Dhyan do. Pehle to humko ye dekho. Indu ka ratio kya tha? 1/2. Hema ka? 1/3. Aur reserve mein? 1/6 चलेगा। तो रेशियो एलसीएम क्या हुआ, 6:3:2:1, लेकिन रिजर्व तो अब किसी काम का नहीं है। रिजर्व कब करते थे, जब हम लोग को पार्टनरशिप ग्रोथ करना था तब, अब तो इंदु रही नहीं तो रिजर्व करने की कोई बात ही नहीं। तो रेशियो था कितना, 3:2:2, क्या रेशियो था, 3:2:2, कोई दिक्कत यहां तक, ओके। कौन मर गया है, इंदु, इंदु का कैपिटल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 1,20,000, कितना दिया हुआ है 1,20,000, यहाँ पे बैलेंस बीडी में लिख देंगे 1,20,000। क्या रिवेल्यूशन हुआ है, नहीं हुआ, तो
हम देंगे क्या? नहीं, रिजर्व में कुछ पैसा है? 30,000 है ना, उसका ओल्ड पे सर क्या है? 3/5 कितना आया? गुडविल है? नहीं, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। किस बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? 84,000 प्लस 80,000 90,000 प्लस 90 डिवाइड बाय 271,000 डिवाइड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट आ गया 91,000। अच्छा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना? नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 303। ये ना कोई दिक्कत? ये किसका वैल्यू आया? पूरा गुडविल क्या उसको मिलेगा? उसको गुडविल कितना मिलेगा? 273,000 का 3/5 160,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? सैलरी दिया गया है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना? कितना परसेंट से? 12% से। कितना महीने जिंदा रहा है ये? एक महीने में इसका सूत्र कट गया है। 1,20,000 का 12% 1/12 कितना आएगा? 1200। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है क्या? नहीं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के बारे में कुछ बोला है? बोला है ना, देखो पॉइंट नंबर 3, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ये मेरा लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट है मेरा कितना? 91,000। तो पूरा उसी का है? नहीं, वो तो जिंदा रहा है मात्र एक महीना है ना, और उसमें से भी उसका हिस्सा है कितना? 3/5 4,550 कितना रहा है? 4,550 चलेगा यहाँ तक। अच्छा, ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, एड लेस करके निकाल लोगे बैलेंस। चलो थैंक यू, बना। क्वेश्चन नंबर 11, PQR आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 ऑन शीट स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ मेरे को, तापरे पी डाइड ऑन 31 May 2017। पी जो है मर गया कब? 31 मई को। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे दिया है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। मशीनरी वाज वैल्यूड एट 70,000। अगर मशीनरी का वैल्यूएशन दे रहा है, इट मींस कि हमको रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है। पहले मशीनरी का वैल्यू 36,000 था, मशीनरी का वैल्यू 70,000 हो गया। पेटेंट का वैल्यू 20,000 बोल रहा है, पहले पेटेंट का वैल्यू 15 था, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे भी। बिल्डिंग का वैल्यू जो है 75 था, अब हो गया 66, यहाँ पे लॉस हो रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ, इट वॉज एग्रीड दैट द सेम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। पिछले 2 सालों के प्रॉफिट के बेसिस पे, मैंने 15, 16 और 14, 15 के प्रॉफिट के बेसिस पे उसको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब पीएल सस्पेंस मिलेगा। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर इज टू बी पेड द एंटायर अमाउंट बाय ड्यू मीन ऑफ चेक। पी प्रिपेयर्स पीस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्स टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड ऑल्सो जनरल इंटरेस्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर्स। ओके, पहले हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन, यही ना। रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा? बाय पुरानी मशीनरी 34,000, बाय पेटेंट 5,000, टू बिल्डिंग 9,000, टू पार्टनर्स कैपिटल कितना? 30,000 को तीनों में बांटेंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000। इसके बाद क्या बनाते हैं? जो पार्टनर मर गया है उसका अकाउंट, मैंने हम बना रहे हैं क्या? पीस कैपिटल। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस
BYD कैपिटल कितना है P का 75,000 है ना। बाय रिवैल्यूएशन 15,000, बाय रिजर्व कितना है रिजर्व 12,000 ओके। फिर बाय गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट 40,000, 40,000, 30,000, 40,000 और 50,000 डिवाइड बाय 5 ऐसे ही है ना कुछ। अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है 3, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 × 3 1,20,000 यह आया गुडविल का वैल्यू। यहाँ पे बाय गुडविल 1,20,000 का इसको कितना मिलेगा 3/6 ना 60,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 40,000 + 50,000 डिवाइड बाई 2 45,000 है ना। अब इस 45,000 का ओल्ड PSR, ओल्ड PSR क्या है 3/6 into कितना महीना जिंदा रहा है 2/12 कितना है कैलकुलेट करके 37 ड्राइंग वगैरह है क्या यही आ गया। एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आया एड्रेस करके कितना आया बोलो 1,65,750 सब कुछ लिख दिया हो ना कर लो।